आगामी 2020 ची हज यात्रा कोणत्याही परिस्थितीत पार पडणार आहे, तर यात्रेकरूंनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं राज्य हज समितीचे चेअरमन जमाल सिद्दीकी यांनी आवाहन केलंय. तर आज मंगळवार दिनांक 17 रोजी सोलापुरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं. तर या प्रसंगी बोलताना काय म्हणाले जमाल सिद्दीकी ते पाहूयात. वायरस का प्रभाव अभी हमारे भारत में आया हुआ है, इसकी वजह से हमने जो प्रशिक्षण था आज यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा था, उसको रद्द कर दिया. सिर्फ नियोजन की बैठक हमने ली है. आज 2020 के नियोजन का काम बहुत अच्छे तरीके से शुरू है. इस बार महाराष्ट्र में 28,500 लोगों ने आवेदन किया था, उसमें से 12,500 लोगों का जो कोटा है महाराष्ट्र का उसका सिलेक्शन हुआ है. अपने सोलापुर से भी 383 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है. 383 हाजियों. मुझे लगता है कि अभी सोलापुर से और 200 लोगों को जाने का मौका मिलेगा. दूसरा चरण था जो हज प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो भी पूरा हो चुका है. हज प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी हो चुका है. अपने सोलापुर में 2 प्रशिक्षक मिले हुए हैं. उसी प्रकार से जो हाजियों के साथ में हज सेवक जाते हैं उनका भी चयन फाइनल रूप से होने वाला है. वो भी उनका भी साक्षात्कार हो गया है, उनकी भी ट्रेनिंग होगी, उसमें भी सोलापुर को मौका मिल रहा है. यहाँ से भी 2 हज सेवक जाएंगे जो सऊदी अरबिया में मक्का और मदीना में हाजियों का मार्गदर्शन करेंगे, वहाँ पर उनकी सेवा करेंगे. वो भी काम पूर्ण हो चुका है. अभी जो तीसरा स्टेज है हाजियों के प्रशिक्षण का, उसकी हमने तिथि निकाली थी, डेट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है जैसा कि हम सबको पता है कि इसका इलाज सिर्फ प्रिकॉशन है. ये छूत की बीमारी है, लोगों के संपर्क में आने से फैलती है, इसलिए हमने ये तय किया है कि अभी जो हज का प्रशिक्षण है उसको हम पोस्टपोन कर देंगे. पूरे महाराष्ट्र में अभी हमने जो हज का प्रशिक्षण होना था उसको पोस्टपोन कर दिया है. 30 मार्च के बाद फिर से हम लोग उसका डेट तय करेंगे. अभी बहुत सारे लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही है कि हज 2020 जो है वो नहीं हो पाएगा. मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हज 2020 इंशाल्लाह सफल रूप से होगा. उसकी पूरी तैयारी सऊदी अरबिया में चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है. हज कमेटी ऑफ इंडिया, विदेश मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय ये सारे अपने काम को कर रहे हैं. यावेळी कोरोनाचा जगभर प्रादुर्भाव आहे, पण हज यात्रेकरूंना ही यात्रा सहज सुलभ व्हावी या दृष्टीनं सौदी अरेबिया सरकार तसंच भारत सरकारही प्रयत्नशील आहे. तर हज यात्रेच्या वेळापत्रकाबाबत निर्णय घेण्याबाबत महत्वाची चर्चा नुकतीच झाली. याकरिता राज्यातून यंदा 12,505 यात्रेकरू हजला जाणार आहेत, तर सोलापुरातून हज यात्रेसाठी 383 जण जाणार आहेत. या सर्वांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आज मंगळवारी आयोजित करण्यात आला होता, मात्र कोरोना पार्श्वभूमीवर तो टाळण्यात आलाय. तर या पत्रकार परिषदेस महमूद सुभेदार, मुनाफ अडते, MH प्यारे, आकाश मुल्ला, मुक्ती मुन्सी, झाकीर हुसेन, डोका आदी उपस्थित होते. तर येत्या 17 जून पासून हज यात्रा सुरू होणार आहे.